था, इनसे पहले भी इनसे मुलाकात हुई मेरी, तो इन्होंने जिक्र किया था कि दिलीप भाई मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कैंसर पीड़ितों के लिए मतलब कारगिल साबित होगा और काफ़ी कामयाब होगा वो, और कामयाबी के हिसाब से इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान में अपने आप में ये पहला प्रोडक्ट है। रही बात यूज़ करने की, तो आप लोगों की दुआओं से मेरे को अभी तक इस टाइप का कोई मसला हुआ नहीं कि मैं इसको यूज़ करूँ, मगर मुझे यकीन है कि जिन जिन को ये परेशानी हुई है अगर वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर उसको फ़ायदा मिलेगा। जी सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, उसका रीज़न ये है कि मुझसे कहा गया था बकौल आई एम थैंकफुल टू प्रिंस, जो मेरा एक फिल्म में मेरा साथी था, छल फिल्म का नाम था, उसमें वो हीरो था। क्या बात है। और इसने मुझे ये कहा था कि आज मिस्टर कादरी बहुत सारे कैंसर पीड़ित लोगों को ये जो है ये दवा, ये जो दवा है वो मुफ्त देंगे, और ये एक एम आई राइट आप ये काफ़ी लोगों को मुफ्त दे रहे हैं जी, और ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है, क्योंकि आजकल जो मेडिसिंस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, और जब हम सबको पता चलता है कि इसके ऊपर हमको 10% मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद की किरण होती है कि चलो 10% तो मिलेगा। आज इस मंच के सौजन्य से मैं सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि दवाइयों को ज़रा सस्ता कीजिए और कुछ ऐसा इंतज़ामात कीजिए कि जिससे कि दवाइयाँ बहुत सारे लोगों को मुफ्त मिलें। लोगों के बैंक बैलेंस जो हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, दवाइयों का रेट बहुत ज़्यादा है। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कैमराज जो हैं ये सरकार है, ये उनको इस मंच के सौजन्य से मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ दवाइयों की कीमतों के ऊपर ख्याल रखिए। और कादरी साहब आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कैंसर पीड़ित हैं आप उनको ये दवाइयाँ मुफ्त दे रहे हैं, भगवान करे हमारी दुआएं हैं आपके काम में बरकत पड़े, और आप रोज़ एक क्वांटिटी है 100, 200, 500 वो आप लोगों को बांटें। इस दुनिया में आजकल कलयुग के ज़माने में लोग दुआओं से चलते हैं, आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, और मैं आपके इस अभियान को इंडोर्स करता हूं। भगवान करे इसमें इतनी बरकत हो कि जो भी कैंसर पीड़ित है वो इसका पान करे, नोश फरमाए, इसको वो ठीक हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आप बताइए सर, कब से शुरुआत हुई थी इस कंपनी की, फिर और कितना फैसिलिटी दे रहे हैं अलग अलग वर्ग को, मीडिया के लोग को या फ्री में इलाज कराने के लिए, उसके बारे में बताइए। अभी तो हम इसको काफ़ी बरसों से चल रहे हैं, पुरखों से चलती आई जिनसे हमने लिए हैं। सर यहाँ पे ये आवाज़ नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से इधर लाउड करके बोलिए। हम ये दवाई तो नहीं, कादरी साहब आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा सर, पावर लेके नहीं, बिकॉज ये बहुत बड़ा अभियान है सर, बहुत बड़ा अभियान है कि आप उन लोगों को मुफ्त में ये दवाइयाँ दे रहे हैं, आप प्लीज़ ज़रा बा आवाज़ें बुलंद कीजिए प्लीज़। एक्चुअली ये दवाई का मकसद ही ये है कि गरीब पेशेंट को इसका फ़ायदा मिले। जहाँ तक हमने आज तक जो भी लोगों को दवाई दिया उसमें हमारे एक डायरेक्टर हैं अभी यहाँ मौजूद हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, उनके भाई को दिया दवाई, वो अभी आपके सामने मौजूद हैं, वो बोलेंगे। इस दवाई से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है और आगे भी होगा हम उम्मीद करते हैं, और आप सबकी दुआ लेते हैं, और आगे हम इसको सिर्फ मकसद हमारा ये रहेगा कि गरीबों की सेवा करें और कैंसर से लोगों को राहत दिला दें। कितने वर्षों से पैटर्न नहीं है आपके पास है? ये तो हम तकरीबन मैं तो इसको 20 साल से यूज़ करता हूँ, 20 साल से ज़्यादा मैं लोगों को देता हूँ, और इन ये जो दवाई चल रही है तो पुरखों से चलते आई है हमारे गुरु से। इतना समय कैसे लगा, जैसे कि आपने कहा कि 20 सालों से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट में लाने के लिए इतना समय कैसे? हमने सोचा नहीं था कि मार्केट में लाए, जो हमारे पास मरीज आते हैं उनको हम देते हैं, उससे शिफा होता है, ऐसा होता था। मोदी सरकार ने जो आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दिया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कितना कुछ शुभकामना देना चाहेंगे आप मोदी सरकार? बहुत अच्छी बात है, हम भी उनको दिखाएंगे कि हमारे पास कुछ है इसमें, वो हमारा साथ दे और साथ देंगे। मेरा सवाल आपसे है, केमो कराने के बाद भी कैंसर जड़ तोड़ नहीं होती है, इसके बावजूद लोग रेडिएशन कराते हैं फिर भी नहीं खत्म होता है, लास्ट में उन्हें जो है मौत का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे स्थिति में आपकी दवाई कितना कारगर 20 साल में साबित हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पेशेंट, हमारे पास ज्यादातर जो मरीज आए हैं वो लास्ट स्टेज के ही आए हैं, फर्स्ट स्टेज में कोई आए नहीं मोस्टली,
क्योंकि वो केमो हो गया, ऑपरेशन हो गया, सब चीज़ें होने के बाद ही मरीज़ कहीं आयुर्वेदिक के पास जाता है, फर्स्ट स्टेज में कोई जाता नहीं ज़्यादातर। तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है हमको, हमारे पास 78 इयर्स ओल्ड एज थे सहारा होटल वाले, उनके पापा को हमने दवा दिया। अभी ये जो प्रिंस है अब जहाँ पे रंगलाल है, इनके भाई को भी एडमिट किया था ऑपरेशन के लिए, उन्होंने बोला था कि वो बताएंगे आपको उसके बारे में। तो काफ़ी ऐसे मरीज हैं जिनको बहुत सारा फ़ायदा हुआ, और उस बेस पे हम सोचा कि ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दवाई मिले, ये हमारा मकसद रहा। देखो लास्ट स्टेज के पेशेंट आएंगे तो जड़ से कैसे जाएगा, है कि नहीं? धीरे धीरे जब तक वो जिंदगी रहेगी राहत से जिएंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी, है ना? सबसे बड़ी बात तो ये है, तकलीफ क्या होती है कैंसर के पेशेंट को, उनसे पूछिए। दांत दर्द होता है तो आदमी रात भर सोता नहीं है, तो कैंसर के मरीज की तो उनसे पूछिए आप क्या तकलीफ। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी मेरी, जो सबने भी कहा है कि जो इलाज के लिए पैसा होता है, कैंसर नाम सुनते ही आदमी सोचता है कि मैं तो इलाज में बहुत पैसे खर्चे होते हैं, आप फ्री दे रहे हैं, तो क्या पैटर्न होगा, किस तरह से फ्री देंगे सर? अभी तो हम ये फ्री देंगे दवाई, और बाद में थोड़ा सा हम उसका कॉस्ट रखेंगे, जैसे नॉमिनी हाँ जितना हो सकता है। लोग कैसे इस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे, कैसे कहाँ मिल पाएंगे? हाँ हमारे कंपनी से कांटेक्ट करें, क्योंकि हम अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं करेंगे, उसका कॉस्ट बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर मेडिकल से कॉस्ट बढ़ता है, तो सोचे कि हम डायरेक्ट कंपनी से लोग कॉन्टेक्ट करके दवाई ले तो उनको सस्ती और अच्छी दवाई मिलेगी। हाजी साहब देखिए, अगर इसमें असर है, इसमें बरकत है, तो इसकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी जी सर। हाँ, ये बात तो पक्की है, देश विदेश में जाएगी। आप हमसे वादा की, देखिए मैं शूटिंग छोड़ के आया हूँ जी सर, करेक्ट है? आजकल क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, उससे आप एक एक मिनट बड़ा कीमती है। जी सर। मैं यहाँ पे थैंक्स टू माई डियर फ्रेंड प्रिंस, मैं शूटिंग छोड़ के आया हूँ, आप ये वादा करेंगे हमसे कि आप हर महीने कम से कम 100 से 200, ये जो दवाई है हम पहले दुआ दे रहे हैं कि बरकत पड़े, लेकिन आप 100 से 200 ये दवाई के जो पैकेट हैं मुफ्त देंगे? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे। अच्छा एक मेरा भी सवाल है, एक सेकंड पक्का कर लूँ यार, पक्का है 100% है, प्रेस के सामने है पक्का कि ये हर महीने जितना ये अफोर्ड कर सकते हैं 200 या 300, क्योंकि अल्लाह मियां आपके काम में बरकत देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो पक्का है। अब आप हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कादिर साहब के, जैसे मैं हालांकि मैं सोशल वर्कर ही समझिए, क्योंकि हर इवेंट में आप मुझे देख लेते हैं, और करीबन मेरे यहाँ से यूपी बिहार से काफ़ी लोग जो है कैंसर पीड़ित हैं और वो टाटा हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहाँ शायद ये आपकी दवाई वहाँ तक पहुँच नहीं पाती होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे कुछ परिजनों को हुआ हुआ है ये, तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर तकलीफ देना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस वक्त टाटा हॉस्पिटल में जो मेरे परिचित हैं अगर वो हैं, तो उनके लिए आप मेरे को ये दवाइयाँ दें, और इसके तरीका बताइए कि ये किस तरीके से ली जाती है और कितने दिनों में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेदिक का ये है कि पहले तो 3-4-5-6 महीने तक तो वो अपना बेस बढ़ाती रहती है, उसके बाद में मतलब वो असर करना शुरू करती है। तो आपकी दवाई कितने दिन में असर करती है कि जिससे पता चला बेस बढ़ाने के चक्कर में पता चला पेशेंट ही बढ़ गया? नहीं नहीं, एक महीने में तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट स्टार्ट होता है जी, एक महीने में है मतलब एक डब्बे में उनको रिजल्ट मिलेगा, मिलना शुरू हो जाएगा, और एक नॉर्मल होने के लिए 4-5 डब्बे कम से कम लगेंगे। तो जो सरकारी दवाइयाँ चल रही हैं, मेडिसिन चल रहा है अंग्रेजी, उसके साथ साथ आपकी ये दवाई दी जा सकती है या उसको रोक के? नहीं नहीं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके साथ में दे सकते हैं, बाद में धीरे धीरे जो डॉक्टर से कंसल्ट करें वो खुद ही बोलेंगे आपकी दवाई कम कर दो। भारत सरकार के किसी संस्थान से आपको मान्यता प्राप्त है इस दवाई के लिए? इसके हाँ, हमारे पास अप्रूवल लिया हमने FDA का, और ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क भी हुआ हमारा, रजिस्टर भी हुआ, और इन्फ्लेक्स कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, उसमें हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें स्वर्ण भस्म वगैरह है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। इंग्रेडिएंट के बारे में बताएं, क्या क्या है इसमें और कैसे तैयार होता है, ये वो डिटेल हम सोच रहे थे। ये सारी चीजें आपको प्रेजेंटेशन के तौर पर यहाँ पर दिखाया जाएगा, सारी चीजें जैसे प्रोडक्ट क्या चीज़ है ना, क्या ये रिकॉर्ड कर सकते हैं हम? आप बता दो, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ज्यादातर कैंसर में यूज होगा, एवरी टाइप ऑफ कैंसर, ब्लड कैंसर में हमने नहीं दिया आज तक, बाकी ब्रेस्ट कैंसर, जिसको कैंसर नहीं है अगर वो ये खाए या इसका सेवन करे तो उससे कोई फायदा मिलेगा? उससे कोई नुकसान नहीं होगा, मगर ये क्या काम आता है? ये बॉडी को फिटनेस पावर बढ़ाएगा आपका। ये मैडम को भी बोल देना, मैडम आपने यूज किया क्या प्रोडक्ट, या आपको कुछ जानकारी है तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम?
नहीं, मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट जब मुझे ये संजय भूषण जी इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, सर के बारे में बताया, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके, मतलब मुझे तो पहुँचना ही है, बिकॉज इस टाइप के प्रोडक्ट जिस बीमारी के बारे में हम लोग सुनते ही डर जाते हैं, कैंसर फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज हो या थर्ड हो, हम लोग पहले ही डर जाते हैं। उसके जो भी ट्रीटमेंट होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत दर्द होता है, तो ये सब चीज़ों के लिए सर ने जो प्रोडक्ट शुरू किया है वो अभी जो फ्री में देने के प्लान किए हैं, तो ये हम लोग के लिए और इस टाइप्स के बहुत सारे पोर फैमिली है जो ये चीज़ें हम लोग इतने कॉस्टली दवाई होते हैं, कीमोथेरेपी होते हैं, तो वो सब चीज़ें वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो सर ने जो अभी किया है ये देना और ये इतना सस्ते में देना जितने भी प्राइस हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक आयुर्वेदिक दवाई है और आयुर्वेदिक मतलब आपका एलोपैथी से काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस में ही मिलता है, बहुत ज़्यादा हेवी प्राइस नहीं होता है, तो ये हम लोग मुझे लगता है बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, समाज के लिए, और इसको बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसमें हेल्प करना चाहिए, जितने भी यहाँ पर हॉस्पिटल है, कैंसर टाटा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर भी ये प्रोडक्ट जाना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम डरने के बाद अगर ये प्रोडक्ट लेके, सर ने इतना दावे के साथ कहा है, उन्होंने इतने साल ट्रीटमेंट किया और उस ट्रीटमेंट का एक अच्छा बेनिफिट मिला जो प्रेजेंट यहाँ पर है और बहुत सारे पेशेंट है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। मैम आप कुछ कह रही थी, जैसे आप लोगों को पता है कि कैंसर के मरीज किस तरह से जूझते हैं, ठीक है, मीन्स अगर किसी को इसोफेगस जैसे ओरल का कैंसर है तो वो उनको खाना नहीं खा सकते, वो कोई चीज़ उनको अगर सोलो करनी है तो वो डिफ़िकल्टी होती है, वो वीक से वीक होते जाते हैं, कीमो लेने के बावजूद भी कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता बिकॉज कीमो की वजह से और ज़्यादा बॉडी श्रिंक होती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर ये मेडिसिन यूज़ करता है वो पेशेंट, ठीक है, क्योंकि हमने वैसे पेशेंट को दिया है, हमको जो रिजल्ट मिला है वो हम बता रहे हैं कि अगर इसोफेगस जो ओरल कैंसर वाले को पेशेंट को हमने दिया, उस जो वो खा नहीं सकता था कुछ भी, ना सॉलिड ना लिक्विड कुछ नहीं, ये मेडिसिन लेने के बाद एक महीना 15 से 20 दिन के अंदर ही उनको मीन्स वो लिक्विड ईजीली सॉलो करने लगे, ईजीली होने के बाद देन फिर धीरे धीरे जैसे 2 महीना हो गया तो फिर वो धीरे धीरे सेमी सॉलिड देन थोड़ा सा सॉलिड वो भी उनको मतलब ईजीली जाने लगा। मीन्स अगर वो ईजीली अगर वो ले सकते हैं मीन्स कहीं ना कहीं वो बेनिफिट उनको वो मेडिसिन से हो रहा है। इसकी कीमत तो अभी डिसाइड नहीं की, लेकिन फिर भी 7 से 8 हज़ार रुपये रहेगी महीना, एक महीने की दवाई। मैडम की तरफ देख के फिर आपने प्राइस बताया? नहीं नहीं, 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 नहीं इसका डिसाइड नहीं हुआ, डिसाइड नहीं किया, वेरी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि उसमें क्या है मैडम, बोल क्या है मैडम, वाइफ है ना इस कंपनी में, क्या पोस्ट पे अब वो एज ए मेरे पार्टनर ही है या डायरेक्टर ही रहेंगे? डायरेक्टर रहेंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया था। मैन्युफैक्चर हमारी इन्फ्लेक्स कंपनी लिमिटेड कंपनी है, पालघर में फैक्ट्री है उसमें। लेकिन सर अगर एक डिब्बा जो है वो 7 to 8,000 रुपीस है, आप इसके ऊपर कितना परसेंटेज देंगे, कितनी रियायत देंगे आप? सर मैं तो बोल रहा हूँ गरीब पेशेंट जो है उनके लिए फ्री देंगे, अगर जो अफोर्डेबल पेशेंट है वो जो दे सकता है उसे लेंगे। नो नो, ये डिसाइड करना बहुत लाजमी है, बिकॉज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सबके दिलों में एक ही सवाल है कि क्योंकि अगर आप एक धर्म के नाम पे काम कर रहे हैं, ये इबादत है, मानवता की इबादत है कि आप जिस हिसाब से करेंगे आपको इसकी रेटिंग, इसका जो है वो तय करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बिकॉज आपने अभी तक इसकी कीमत तय नहीं की है और आप कह रहे हैं कि ओपिनियन लोगों की बहुत अच्छी है, भगवान करे और बहुत और अच्छी आ जाए और अच्छी हो। और एक बार मैं फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर इसमें असर है इसकी खुशबू दूर दूर तक जाए, या तो आपको ये वादा करना पड़ेगा। आज आप कितने लोगों को फ्री दे रहे हैं? आज तो कोई आया नहीं तो किसको नहीं है भाई, है ऐसा नहीं है, है कहा गया आपको कितने हैं सर? कितने हैं सर? 8 से 10 पेशेंट हैं और काफी लोगों को यहाँ नहीं बुलाया गया क्योंकि हॉल छोटा है। और मेरे ख्याल से आप लोग प्रेस ज्यादा है, नहीं नहीं नो आई मीन इज के प्रेस के अगर किसी साथी को, किसी पड़ोसी को, कोई फ्रेंड्स को अगर कुछ हो तो आई थिंक मेरे को तो एक डब्बा दे देना, क्योंकि मैं तो कल ही सुबह भेज देता हूं। नो आई एम बीइंग वेरी सीरियस एक ये नहीं है, ऐसा नहीं, वो बंच वाला डब्बा। नो आई मीन इट कि जितने प्रेस वाले ज्यादा हैं यहां पे
अगर आपके किसी साथी को, पड़ोसी को, किसी को आई थिंक डिस्ट्रीब्यूट करना और नहीं, मैं तो डिस्ट्रीब्यूट के लिए लूंगा क्योंकि मेरे को अभी करना और इनके बारे में बताना, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कादरी साहब कि कैंसर पेशेंट होने के बाद में जब वो टाटा हॉस्पिटल जाते हैं तो हर एक को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता। अगर एडमिशन मिल जाता है तो उनको रहने की जगह नहीं मिलती है और उनके रहने की वजह से अभी मेरे एक मित्र हैं जो कि कैंसर पेशेंटों के लिए 800 लोगों को डेली खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो समझिए कि ऐसे कुछ है। तो उनकी जगह अगर ये डब्बे जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी उनको हेल्प होगी, या आपकी तरफ से भी हेल्प होगी, हम लोग भी उनकी तरफ से हेल्प करेंगे। और कुछ इसका प्राइस आप वाकई में 8,000 तो कुछ ज़्यादा मुझे ज़्यादा है सर, ज़्यादा लग रहा है, तो उसको कुछ ऐसा करेंगे सर, उसको एक तय करके ना बताइएगा। ठीक है सर, बहुत जी। और इसके लिए हम अल्लाह ताला से, ईश्वर से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस मकसद से, जिस नीयत से आप आगे आएँ, अल्लाह आपको, भोलेनाथ आपको कामयाब करें। मैं डॉक्टर कादरी और एचके हर्बल टीम को बस बधाई देना चाहता हूँ और उन्होंने जो कैंसर पीड़ितों के लिए किया है तो बहुत अच्छी बात है और इससे गरीबों को फ़ायदा हो, और जो मरीज़ अगर कैंसर की दवाई इन्होंने अच्छी बनाई है तो उनको अगर फ़ायदा मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और इस तरह से हम भी इसका प्रमोशन करेंगे और मैंने किया भी है। डॉक्टर कादरी जी भी 3 दिन पहले मेरे ऑफिस में आए थे तो मैंने इनका प्रमोशन किया, इनको मालूम है, तो इसी तरह करते रहेंगे, अगर अच्छी है तो हम 100% करेंगे और सबको मेरी तरफ से रिजल्ट मिलेगा, सबको पता चलेगा। थैंक यू। बस आप मीडिया से यही गुजारिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप इसको स्प्रेड करें ताकि वो हर एक आप यहां सेंटर आगे बढ़िए, यहां पे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि ये कैंसर की मेडिसिन एक वरदान के तौर पर काम करेगी। मीन्स आप अगर हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो कितना कॉस्ट होता है, इतना होता है कि घर बेचने की नौबत आ जाती है इंसानों को, ठीक है, लोगों को। तो अगर उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो इसको एक बार सिर्फ लेकर देखिए, आपको खुद रिजल्ट पता चलेगा। जब रिजल्ट पता चलेगा तो नेक्स्ट टाइम आपको किसी को बोलने की, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद हमारे तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करिए, क्योंकि इस दवाई से फ़ायदा ऑलरेडी हमारे डैडी को, हमारे डैडी को, ऑलरेडी इसको हमने इस्तेमाल किया इस दवाई के लिए और उससे हमारे डैडी को बहुत फ़ायदा भी हुआ इससे, जिससे ना कि इन्फेक्शन जो फैलता है, ये बीमारी होने के बाद इन्फेक्शन जितना तेज़ी से फैलता है, इस दवा से इतना फ़ायदा हुआ कि इनका इन्फेक्शन रुक गया। जब इन्फेक्शन रुकने से फ़ायदा ये हुआ कि इनके बदन में जो तकलीफ होती है इस बीमारी से, वो तकलीफ नहीं हुई। और एज भी कम से कम 81 उम्र थी। और जिस जगह से हम लोग ने दवाई शुरू की थी उससे हमको इतना फ़ायदा नहीं मिला, फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात थी, डॉक्टर साहब ने हमको ये दवाई दी और इसे हमने शुरू किया, इससे हमको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। मैडम एक्चुअली एज अ प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर साहब हमारे हमारे ऑफिस के बाजू में ही उनकी क्लिनिक है और काफ़ी उनका मुझे जो उनसे बातचीत करके मुझे जो फर्स्ट, क्योंकि अभी 2 साल से हमारे पास आए हुए हैं तो उनकी जो मतलब क्वालिटीज ऑफ सर्विसेज है काफ़ी अच्छी है। ये प्रोडक्ट के बारे में तो मुझे पता नहीं इतना, पर जो बाजू में भाई बैठे हैं उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जो उनके वजह से काफ़ी उनके पिताजी को बेनिफिट हुआ है, तो बस कोई प्रोडक्ट सक्सेस हो जाए हम उसकी दुआ करते हैं। सर आपसे जानना, वही बात जो पिताजी की बात है, वही बात है कि हमारे पिताजी को मतलब काफ़ी, हमारे पिताजी को काफ़ी तकलीफ थी लेकिन ये दवाई से हमने देखा कि हमारे पिताजी को काफ़ी आराम मिला और राहत मिली, तो हम तो हमको लगा कि वाकई में दवा लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद दवा है, क्योंकि मैं भी इसी लाइन का हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि इससे कितना फ़ायदा होता है, तो वाकई में दवा बहुत फ़ायदा है और कोई नुकसान नहीं कर रही है। इसके अंदर बेनिफिट ये लगी कि आदमी के अंदर जो जरासीम थी उसके अंदर भी हमने देखा कि काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, और दूसरी बात हमने ये देखी कि जो इनका तकलीफ का मामला ज़्यादा दिन में हो रहा वो कम होता रहता था, और खाना इनका बंद हो गया था, खाना इनका शुरू हो गया था और बॉडी के अंदर इनको ताकत मिलती रहती, कितना हमने फ़ायदा देखा इसका, दवाई का दवाई काफ़ी अच्छी है। दरअसल क्या है, आई एम वर्किंग, अच्छा मैं भी फार्मासी हूँ, आई एम वर्किंग इन हिमालया लास्ट 35 ईयर्स, तो बहुत सारी चीज़ों से हमने देखी कि डॉक्टर साहब के साथ में भी मेरा लोग पेशेंट आए, बहुत सारे आराम मिले, तो ये दवाइयाँ जो है वो एक कोर्स है, अगर वो उसको कोर्स करते जो इन्फेक्शन जो है ना वो कम हो जाएगा, ये चीज़ें हमने उनको देखी। आज लॉन्च हुआ है जो कैंसर के लिए कारगर साबित हो रहा है, क्या शुभकामनाएं आप उनको देना चाहेंगे और इस प्रोडक्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे?
अभी लॉन्च हुआ है और डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया कि मतलब कैंसर के लिए मैंने कभी नहीं सुना था ये कैंसर के लिए आयुर्वेदिक दवाई पहली बार सुन रही हूँ जी। तो बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामना है मेरी कि एलोपैथिक सबको पता भी नहीं है और आयुर्वेदिक तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, है ना, नो साइड इफेक्ट नथिंग। तो विश हिम गुड लक, मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ इस नेक काम के लिए और सबको फ़ायदा होगा, सब अच्छे हो जाएंगे, इससे मैं क्या कह सकती हूँ। और तो बहुत मेरी बहुत बहुत ज़्यादा 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 शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू। गंगलाल जी।